नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड भरत और आप देख रहे हैं डीटीएच टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एक ऐसा जुगाड़ दिखाने वाला हूं जो आपको बहुत ही काम आएगा और आपके बहुत सारे पैसे भी बचाएगा। दोस्तों, यहां पे ये वीडियो है RS232 केबल के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो यहाँ पे कई पीसी में ऐसा होता है कि RS232 का जो सॉकेट है वो हमें पीसी में नहीं मिलता। जो पुराने पीसी थे इसमें हमें RS232 का सॉकेट मिलता था, लेकिन नए में नहीं मिलता। दोस्तों, यहाँ पे आज मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ दिखाऊंगा जिससे आप केवल 10-20 रुपये में RS232 का सॉकेट अपने पीसी में लगा सकते हैं और अपना कोई भी डेड सेटअप बॉक्स रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की जानकारी देते हैं। यहाँ पे हमारा एक नया चैनल है DTH टिप्स एक्सपेरिमेंट, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको वहाँ पे गजब के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर की यूनिक जानकारी होती है, नए सॉफ्टवेयर की अपडेट होती है, वो यहाँ पे ये चैनल पर हम इसका अपडेट देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक पीसी है, इसमें RS232 का सॉकेट नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा और ये क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ये पीसी देख रहा है, तो यहाँ पे आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे कोई RS232 का जो सॉकेट है वो नहीं दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉकेट दिया है, लेकिन ये VGA केबल का है। RS232 का सॉकेट इस टाइप से होता है, तो वो इस पीसी में नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे जब भी मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करता हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कन्वर्टर का यूज़ करना पड़ता है और कुछ बॉक्स में जो सॉफ्टवेयर है होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसमें जो कन्वर्टर है इससे जो RS232 से सॉफ्टवेयर होता है इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसके लिए आपको ये अपना जो पीसी है वो ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कन्वर्टर क्या होता है, वो सब कुछ मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप कोई भी सेटअप बॉक्स में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो आपको ऐसा केबल यूज़ करना होता है, वो आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे पीसी में इसका जो पॉइंट है, RS232 का जैक है, वो यहाँ पे नहीं मिलता। पुराने पीसी में मिलता था, लेकिन अभी लेटेस्ट पीसी इसमें नहीं मिलता। तो इसके लिए हमें अमेजन से या कोई ऑनलाइन साइट से हमें ऐसा कन्वर्टर परचेस करना होता है और यहाँ पे एक कन्वर्टर हमें पीसी में लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे इसमें ये दिक्कत होती है कि यहाँ पे इसके ड्राइवर डालने होते हैं, फिर ये बार बार निकल जाता है, कट हो जाता है जो काम शुरू होता है, तो भी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आज का वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको ऐसा कन्वर्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास कोई सा भी पीसी हो, आप डायरेक्ट ये केबल जो ये सॉकेट है RS232 का वो अपने पीसी में बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ऑनलाइन रेडीमेड भी RS232 के सॉकेट मिल जाते हैं, लेकिन थोड़े कॉस्टली है, 400-500 रुपये में आते हैं। लेकिन आप मामूली 20-30 रुपये में ये सॉकेट बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई सा पुराना सेटअप बॉक्स, इसमें RS232 का ये सॉकेट आपको निकाल लेना है और यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो आपको इसमें तीन तार मिल जाएंगे, RX, TX एंड GND। तो यहाँ पे ये तीन तार आपको पीसी में लगाने होते हैं। पीसी में कहाँ पे लगाने होते हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये सॉकेट आपको निकाल लेना है और यहाँ पे हमने बना दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सॉकेट हमने निकाला था और यहाँ पे आपको तीन तार लगाने हैं। इसमें टोटल 9 पिन होती है, ऊपर 5 होती है और नीचे 4 होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ऊपर 5 है वो इस साइड रखना है और इसमें फर्स्ट वाला होता है वो GND होता है, फिर दूसरा वाला होता है वो खाली रखना है, फिर तीसरा वाला होता है वो TX होता है और इसके पास में होता है वो RX होता है। GND, फिर खाली, TX, RX और लास्ट में छोड़ देना है और नीचे एक भी आपको केबल जॉइंट नहीं करना। तो यहाँ पे आपको ऐसे तीन केबल लगा देने हैं और यहाँ पे ऐसा आपको एक केबल ले लेना है जो आपको कंप्यूटर शॉप में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका मैं आपको फ़ोटो दे रहा हूँ, जो डायग्राम इसका फ़ोटो दे रहा हूँ। तो यह है फ़ोटो, इसमें फर्स्ट वाला GND है, दूसरा वाला है वो खाली है, तीसरा वाला TX और चौथा वाला है वो RX है और पांचवा वाला वो खाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐसे आपको केबल लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारा केबल बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसमें ये RX, ये TX और यहाँ पे ये ब्लैक वाला है वो GND है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ऐसा ही केबल लेना है क्योंकि आपके PC में एक सॉकेट होगा, इसके अंदर ये केबल आपको अटैच करने हैं, इंस्टॉल करने हैं, तभी आपके PC में RS232 का सॉकेट
बनेगा। तो यहाँ पे मैं आपको पीसी में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप पीसी में देखेंगे तो आपको ये सारा सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें एक ऐसा जैक होगा जहाँ पे आपको कॉम वन लिख के नज़र में आएगा, और इसकी पहचान कैसे करें वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें तार है, तो यहाँ पे नीचे साइड 1, 2, 3, 4 और 5 तार है, और ऊपर की साइड 1, 2, 3, 4 है, और इसके पास में है ये खाली है। तो यहाँ पे ऐसा आपको जैक अपने पीसी के मदरबोर्ड में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें हमने जो केबल बना है वो इसमें आपको अटैच करना है। तो यहाँ पे कौन कौन सा तार आपको लगाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो ऊपर एक साइड तार ना, इसमें फर्स्ट वाला इसमें RX आएगा, फिर इसमें दूसरी लाइन है इसमें दूसरा नंबर का है वो TX आएगा, और इसके बाजू में है वो GND आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मैं आपको डायग्राम दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पूरा डायग्राम है, वो देख के आप इसमें केबल अटैच कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे हमारी पोस्ट है वेबसाइट में, वो भी पढ़ सकते हो, आपको वहाँ पे क्लियर कट नज़र में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये केबल लगा देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला है ये वाला, इसमें हमारा आएगा RX, तो यहाँ पे हम RX का केबल लगा लेते हैं। ये RX हो गया, फिर हमारा TX है वो नीचे के साइड में दूसरा वाला है, तो यहाँ पे हमें ये TX लगा देते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे TX लग गया, RX लग गया, और आपको लास्ट में GND लगा लेना है। तो यहाँ पे हम इसको GND में लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो PC का है RS232 केबल है, इसका वायरिंग हो गया है। दोस्तों यहाँ पे वीडियो में आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे PC में RS232 का सॉकेट लग गया है, और यहाँ पे बिल्कुल वर्किंग, यहाँ पे मैं आपको चेक भी करा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल वर्किंग है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये है हमारा RS232 केबल, तो यहाँ पे मैं इसको अटैच कर लेता हूँ इस सॉकेट में। तो यहाँ पे हमने इसको अटैच कर लिया, और यहाँ पे ये दूसरा छोर है वो हमें सेटअप बॉक्स में लगाना है। तो यहाँ पे मेरे पास पगारिया का बॉक्स है, इसमें RS232 का सॉकेट नहीं है, तो इसके लिए हमने एक ऐसा केबल यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे बॉक्स में रेडी हो गया RS232 का सॉकेट, और यहाँ पे मैं इसको बॉक्स में भी अटैच कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो RS232 केबल है वो कंप्लीट अटैच हो गया है PC के साथ, और यहाँ पे हमने खुद घर से ही बनाया, और YouTube पे आपको ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है, ऐसा कोई भी वीडियो आपको YouTube पे अभी नज़र में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको आगे प्रोसेस दिखाता हूँ कि इसमें हमारा जो PC है इससे सॉफ्टवेयर होता है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हम PC स्क्रीन में आ गए, तो सबसे पहले हम इसका लोडर ओपन करते हैं, वो है इसका लोडर, और यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम सेटअप बॉक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं सॉफ्टवेयर सिलेक्ट, हमारा सॉफ्टवेयर सिलेक्ट हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल पोर्ट है, इसमें हमने कॉम पोर्ट रखा क्योंकि हमने इसका जो मदरबोर्ड इसमें कॉम पोर्ट बनाया है जो मैंने वीडियो में दिखाया है वो। यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर आ गया फाउंड सीरियल कॉम वन प्लीज़ रोम रिक्वेस्ट प्लीज़ पावर ऑन द रिस्टार्ट द बोर्ड। तो यहाँ पे हमें हमारा जो सेटअप बॉक्स है वो रिस्टार्ट करना है, तो यहाँ पे मैं सेटअप बॉक्स को ऑन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो राइट साइज लिख के आ रहा है, और यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे आप अपने PC में RS232 का पोर्ट बना सकते हो, और आप आसानी से कोई भी सेटअप बॉक्स का सॉफ्टवेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको YouTube पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, फर्स्ट टाइम हम ये वीडियो आपके लिए ला रहे हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके। दोस्तों वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।